सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 2020 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 जनवरी 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में और साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण काल के सारे नियम मानने होंगे। वैसे तो ग्रहण का असर हर राशि पर पड़ता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले शिशु के लिए ये शुभ नहीं माना जाता, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। चलिए जान लेते हैं कि किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा और किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा। सबसे पहले राशि है तुला राशि। इस राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण के बाद बजरंग बली जी की और माता रानी की कृपा होने वाली है। इनके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं भी दूर होंगी। इसके लिए आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह सबसे पहले उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, क्योंकि इससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होंगी। बजरंग बली की कृपा से आपको नई सफलता के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी। आप अपनी सेहत के प्रति सावधान रहें। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगली राशि की बात करें तो वो है सिंह राशि। इस राशि वालों के ऊपर चंद्र ग्रहण के बाद माता रानी की कृपा बरसने वाली है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की भी जरूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। आने वाले समय में आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आपकी यात्रा सफल रहेगी और नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों अगली राशि है मकर राशि। इनके ऊपर भी चंद्र ग्रहण के बाद महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, इसकी वजह से ये अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। जो व्यापारी हैं और उनको भारी धन लाभ होगा और साथ ही साथ आपके व्यापार में विस्तार भी होगा। आप अपने व्यापार में परिवर्तन भी करेंगे, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इनका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर ये सच्चे मन से बजरंग बली जी की आराधना करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण के बाद गणेश जी और हनुमान जी की कृपा होने वाली है। आपका सफर बहुत ही आनंददायक गुजरने वाला है। ये लोग अगर बजरंग बली की आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो तेजी से चलेंगे। इस राशि के ऊपर माँ लक्ष्मी भी धन की बरसात करेगी। तो दोस्तों बाकी राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो मध्यम फल देने वाला होगा। आपके ऊपर भी माता रानी और महादेव की कृपा बनी रहेगी।